हेलो गाइस, मैं राजन कुशवाहा। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ खस्ता बनाने की रेसिपी। हलवाई लोग खस्ता कैसे बनाते हैं और कैसे वो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो आज आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ। चलिए आइए बनाते हैं खस्ता। खस्ता बनाने के लिए हमने लिया है ये 500 ग्राम मैदा। अब इसमें हम ऐड कर देंगे एक चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से क्या होगा कि हमारा खस्ता एकदम सॉफ्ट और खस्ता फूलेगा। उसके बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे खूब। अब इसमें डालेंगे हम 150 ग्राम मोवन घी का। डेढ़ सौ ग्राम मोवन डालेंगे। मोवन से क्या होगा कि हमारा खस्ता एकदम सॉफ्ट और खस्ता ही बनेगा। 150 ग्राम डालना है, लगभग 1 किलो में 300 ग्राम डालना है, तो हमने आधा किलो लिया था, 150 ग्राम डाला था। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे खूब अच्छे से। जितना अच्छा आप मिक्स करोगे उतना अच्छा आपका खस्ता फूलेगा। अब दोनों हाथों से हम इसको ऐसे ऐसे करके रगड़ लेंगे खूब अच्छे से। आप भी रगड़ लीजिएगा तब भी अच्छे से खस्ता बनेगा। कम से कम 10 मिनट तक इसको खूब अच्छे से रगड़ लेना। ये हमने दही का तोड़ लिया है, दही का तोड़ हमने इसमें ऐड कर दिया है। दही के तोड़ से क्या होगा कि दही के तोड़ बहुत इम्पोर्टेंट, आप भी लगाना ना भूलिएगा। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। दही का तोड़ डालते हुए अच्छे तरीके से हम अपना सॉफ्ट आटा गूँथ लेंगे। ये देखिए हमारा आटा गूँथ चुका है। अब इसको हम किसी बर्तन से ढक देंगे 10 मिनट सेट होने के लिए। अब जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, हम खस्ते के अंदर भरने के लिए स्टफिंग बना लेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए हमको चाहिए 2 चम्मच सत्तू। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच दमालू मसाला और इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल पाउडर मिर्च, थोड़ी सी हींग और स्वाद अनुसार नमक इसमें हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो इसका पेस्ट तैयार करने के लिए। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ऑयल थोड़ा कम पड़ गया इसलिए हमने और ऑयल लगा दिया है। अब इसको अच्छे से खूब मिक्स कर लेंगे। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है, अच्छे से एकदम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से क्या होगा, हमारी स्टफिंग फूलेगी, क्योंकि हमको इसके खस्ते के अंदर बनना है तो हमारी स्टफिंग फूलना बहुत ज़रूरी है, हमारा खस्ता भी फूलना बहुत ज़रूरी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारी अब स्टफिंग तैयार हो गई है। अब चलते हैं अब अपने आटे की तरफ। तो आटा हमारा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब इसको हम चेक करेंगे सॉफ्टिंग। ये देखिए आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट है। अब इसकी हमें छोटी छोटी लोई, जिस सेप को आपके चाहिए खस्ता उस सेप की आप लोई तोड़ सकते हो। ये देखिए मैंने सबकी लोई तोड़ ली है। ये अब लेंगे पेस्ट और बीच में छेद करके उसके बाद इसको अच्छे तरीके से थोड़ा ढेर ढेर सा लेना है कि अच्छे से हमारा आटा फूले। ये देखिए इस तरीके से मोड़ मोड़ के अच्छे दोनों हाथों से अच्छे से मोड़ के, क्योंकि ये फटे ना, अगर फट गया तो आपका खस्ता अच्छा नहीं हो पाएगा, तेल में फट जाएगा। ये बीच में दाबना प्रेस करना है और उसमें स्टफिंग भरना है और इसको अच्छे से खूब ऊपर से ऐसे ऐसे करके पेस्ट करके दाब देना है। अब हम इसमें एक हुलसा लेंगे, बीच से ऐसे दाब के प्रेस करेंगे, उसके बाद बेलने की मदद से हम इसको अच्छे से बेल लेंगे जिस अकॉर्डिंग में चाहिए थोड़ा मोटा। इसके बाद इसको हम हाथ में लेंगे, हाथ से हल्का सा गुठिया लेंगे। हाथ से गुठियाने से क्या होगा कि हमारा एकदम यूनिक साज खस्ता तैयार होगा। अब हम इसमें तेल चढ़ा दिया है। तेल का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखिए, लो रख के डाल दीजिएगा। देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल तेल का फ्लेम एकदम लो रखिएगा। लो रखने पे ही ये खस्ता बनेगा। अगर आपने गलती से तेज़ आँच में डाल दिया, एक हमने छन्नी ले ली है, छन्नी से अच्छे से हम ऐसे 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 करके डुलाएंगे, खूब अच्छे से हिलाना है।
ये हमने खस्ते हमारे फूलना है, अच्छे से आप हिलाने रहना है, और जब खस्ते हमारे फूल जाएंगे तो गैस का फ्लेम हल्का सा हाई करना है, फ्लेम हल्का सा हाई करना है। ये देखिए हमारे खस्ते एकदम फूल के तैयार हो चुके हैं, अब इसको हम छान लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स, चलते हैं, बाय बाय।